नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस्कुलस हिपोकेस्टरम के बारे में। दोस्तों, इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ यूज करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, एस्कुलस हिपोकेस्टरम आपको 200 पोटेंसी में, 36 पोटेंसी में, 1 mm पोटेंसी में मिल जाएगा। दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर जाइएगा तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। दोस्तों, ये हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा मेडिसिन काम करता है। जैसे आपको दर्द है, जैसे मान लीजिए आपका पूरे शरीर में दर्द है, जैसे मान लीजिए कमर में दर्द है, आँखों में दर्द है, कानों में दर्द है, नाकों में दर्द है, आँख में भी दर्द है, दोस्तों ये दर्द के लिए बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा दर्द हो कमर में, दोस्तों इस मेडिसिन को ज़्यादा कमर दर्द में ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का कमर दर्द हो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति जो है गिर गया है, चोट लग गया है, उसके वजह से उसको कमर में दर्द रहता है, तो दोस्तों इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसका खून बहता हो, खून कहीं जम जाता है, उसके वजह से जब दर्द होता है तो आप इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति, जो पेशेंट होता है वेरिकोज वेस के जो बीमार हो, जो नसें हो जो होते हैं, जो सूज जाती है, जो फूल जाती है, उसमें हमेशा दर्द रहता है, तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। जैसे कोई घर में जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है जो गिर जाता है और कट जाता है, छिल जाता है और दर्द बना रहता है, तब भी आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। दोस्तों, कई दिनों से आपको कमर में दर्द रहता है तो दोस्तों इसको देने से आपकी जो कमर में जो दर्द है वो आसानी से ठीक हो जाता है। दोस्तों, ऐसे भी जो इस मेडिसिन को कुछ ऐसे व्यक्तियों में भी दिया गया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का सांस फूलता हो, सांस लेने में दिक्कत होता है, उसको बार बार सर्दी लग जाता है, छींके आता है, तब भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि इस मेडिसिन को किस कंपनी में आपको देना है। दोस्तों, ये एडमिन कंपनी का आता है, इसका सबसे अच्छा कंपनी होता है डॉक्टर रिक्वेज SPL WSI। तो आप जब भी इस मेडिसिन को दीजिएगा तो WSI डॉक्टर रिक्वेज का, SPL कंपनी का, एडमिन भी कंपनी अच्छा ही है, कोई ख़राब नहीं है। अब चलते दोस्तों, तो इस मेडिसिन को कैसे आपको यूज करना है और कितने पोटेंसी में। यदि बच्चे को दर्द रहता है कमर में, चाहे कहीं भी दर्द होता है, हाथों में भी दर्द होता है, यानी जिस व्यक्ति को सिर में दर्द रहता है, जैसे कभी कभी जो माइग्रेन के जो प्रॉब्लम होता है, सिर में हमेशा चक्कर आता है, जो व्यक्ति बैठे बैठे रहते हैं उनको जो सिर में जो होता है दर्द होने लगता है, जो चलते हैं बैठने और चलने के बाद भी दर्द होता है सिर में, तब भी इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। उसका दर्द काफ़ी दिनों से, मानी एक से यानी एक महीने में उसका जो दर्द है सफा ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा दर्द नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यदि कोई बच्चा है, बच्चे को हमेशा दर्द रहता है कमर में, चाहे हाथों में, आपके पूरे शरीर में कहीं, पेट को छोड़ा के दोस्तों, ठीक है, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये पेट के लिए उतना अच्छा काम नहीं करता है। यदि कमर में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, कानों में दर्द हो, नाक में दर्द हो, आँखों में दर्द रहता है, तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे को ये मेडिसिन देना है तो आपको 30 CH पोटेंसी में देना है। ये 200 CH का पोटेंसी है, 30 CH में 2 बूंद आपको दिन में 3 टाइम देना है, सुबह में भी और दोपहर में और शाम को भी देना है, दो दो बूंद। और यदि बड़ों को देना है तो आपको 200 पोटेंसी में देना है दिन में 2 बार, ठीक है। यदि ज़्यादा दर्द हो तो आप 3 बार भी दे सकते हैं 2 बूंद। यदि ज़्यादा दर्द हो तो दिन में 3 बार देना है, यदि ज़्यादा दर्द नहीं है, ठीक है, तो इसको 2 बूंद आपको देना है, 200 पोटेंसी में दो दो बूंद दोपहर में और शाम को कभी, ठीक है। दोस्तों, अब चलते इसको कब यूज करना है। दोस्तों, आप सुबह में खाली पेट का यूज करना है, उसके बाद दोपहर में जब, चाहे शाम को जब यूज करना है 200 पोटेंसी में, तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको यूज करना है। बच्चे को भी खाली पेट देना है सुबह में, दोपहर में और शाम को, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद और शाम को। दोस्तों, ये दर्द के लिए बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन है, एस्कुलस हिपोकेस्टनम। दोस्तों, आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप जब भी इसका जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, चाहे नीचे कमेंट का बॉक्स है तो आप इस
वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोई भी, तो उस नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे एक लाइक का बटन है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब का एक बटन दिया है लाल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइड में शेयर का बटन है, तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये दर्द के लिए बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन है। ज़्यादातर लोग ये इसको कमर में दर्द में ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का कमर में ज़्यादा दर्द होता है, इसे ज़्यादा यूज करते हैं। धन्यवाद।